स्टूडेंट, टुडे वी सी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन राउट्स क्राइटेरिया. देन सी, टुडे वी सी दिस न्यूमेरिकल दैट इज फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम विथ जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू के एस s plus 4 s square plus twice s plus 2. Okay, so start with the solution, then see the solution. Firstly, this is the open loop transfer function given system, so write is as it is. The open loop transfer function of the system, that is g of s is equals to k upon s, s plus 4, s square plus twice s plus 2. Okay, then after that, as the unity feedback, जो आपको problem में बोला है वो क्या बोला है, that is the unity feedback. So हम लोग यहाँ पे क्या consider कर सकते हैं, h of s क्या है, that is 1. Okay, so यहाँ पे जो h of s रहता है, यहाँ पे equation में h of s रहता है, ये already 1 है, इसलिए यहाँ पे वो h of s लिखा नहीं है. ओके, सो डायरेक्टली वी राइट g of s इज इक्वल्स टू आवर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ओके, देन आफ्टर दैट वी सी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम इज, जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सिस्टम का, वो जो है आपको वो हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 प्लस g of s h of s इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे h ऑफ s तो 1 है, सो यहाँ पे 1 लिख लिया है, ये वाला 1 ये है. ओके, आफ्टर दैट दिस g ऑफ s इट इज़ अवर गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ओके, जो हम लोगों ने अभी देखा है ये क्या है, आपका गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया है. ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करते समय क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे जो है ये जो डिनोमिनेटर है ये 1 तो कंसिडर नहीं होगा, सो इसको इग्नोर कर लो. उसके बाद में ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा. ओके, मीन्स हम लोग एलसीएम निकालेंगे, सो क्या होगा, ऊपर वाली टर्म क्या आएगी, मीन्स न्यूमिनेटर वाली टर्म आएगी s, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो s s प्लस 4 s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 2 इज प्लस ये k, वैसे की वैसी रहेगा. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका, यहाँ पे लिखा नहीं है बट कैसे आएगा, s s प्लस 4 s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 2, ये डिनोमिनेटर में आएगा आपका. ओके, उसके बाद में क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है बिकॉज हम लोगों ने एलसीएम निकाला है, सो ये जो डिनोमिनेटर की जो टर्म है पूरी ये कहाँ पे जाएगी, इधर जाएगी, ये मल्टीप्लाई होगी इसको. ओके, मीन्स डिनोमिनेटर की टर्म हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो से. सो क्या होगा, अगर ये वाली टर्म इधर गई तो क्या आएगा, सो डिनोमिनेटर वाली टर्म इधर आएगी, डिनोमिनेटर वाली टर्म इधर आएगी, सो मल्टीप्लीकेशन में, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा. सो सिर्फ न्यूमिनेटर की टर्म बचेंगी जो कि उन्होंने वो लिखी है. ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये जो है ये ब्रैकेट आपको ये मल्टीप्लाई करना है, सो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 4s, बाद में ये वाली टर्म वैसे ही लिखनी है, ये भी टर्म वैसे ही रखना है और इक्वेशन राइट करना है. ओके, उसके बाद में देखो क्या करना है आपको, 1 by 1 आपको ये मल्टीप्लीकेशन करना है, मीन्स फर्स्ट जो है आपको एस स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इससे, देन इससे. सो जो फर्स्ट एस स्क्वायर है, सो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एस रेस टू 4. आफ्टर दैट एस से ही ट्वाइस एस को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ट्वाइस एस क्यूब. आफ्टर दैट एस स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, दैट इज़ ट्वाइस एस स्क्वायर. ओके, सो नेक्स्ट इसमें क्या करना है, ये जो 4s है इसको भी ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है. सो फर्स्टली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4s क्यूब, देन आफ्टर दैट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज़ 8s स्क्वायर, और
लास्ट में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आएगा, दैट इज 8s. ओके सो ओके सो यहाँ पे और एक टर्म आएगी, क्या आएगी 8s. ओके सो आफ्टर दैट वी राइट हायर ऑर्डर इन लोअर ऑर्डर. ओके हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर हाउ कैन वी राइट, वी राइट फर्स्ट दैट इज s डैश टू 4, देन आफ्टर वी राइट इन टर्म्स ऑफ क्यूब. सो हाउ मेनी नंबर्स इन s डैश टू क्यूब, दैट इज दिस वन ट्वाइस s क्यूब एंड 4 इज क्यूब, द एडिशन विल बी दैट इज 6s क्यूब. आफ्टर दैट वी राइट s स्क्वेयर इन हाउ मेनी नंबर्स s स्क्वेयर, दैट इज 8 प्लस 2, इट इज 10s स्क्वेयर. ओके आफ्टर दैट वी राइट द ओनली s टर्म, द s टर्म इज ओनली 1, दैट इज द 8s. ओके आफ्टर दैट वी राइट द कॉन्स्टेंट सेम एज. After that, this standard equation we see, from this equation आपको क्या करना है, from this equation we can write the coefficient of Routh's criteria. So already see in previous lecture the problem we have solved, that is the A0, what is the coefficient of s raised to 4? It is 1. So, A0 it is 1. After that, what is the coefficient of s cube? It is 6. So, A1 it is 6. Okay. After that, s raised to 4, what is the coefficient? That is 10. So, A2 it is equals to 10. After that, the s coefficient it is 8, so A3 is equals to 8, and last one it is A4, that is A4 is equals to k. Okay, in this way we write the coefficient of Routh's criteria. After that we see these coefficients we entered in a Routh's criteria format. We already know after that these coefficients we enter in Routh's criteria. We know that this is the A0, that is our 1, then this is our A2, that is 10, then this is our A4, that is k, then this is our A1, that is 6, and this is our A3. That is 8, and A5 is not given, so it is considered as a 0. Okay, after that we find out the B1, B2, then C1, C2. Okay, in that the B1, what is the formula of B1? Again, in previous lecture we already see the B1 formula. It is that A1 into A2, that is this, माइनस A0 इंटू A3 डिवाइडेड बाय A1. सो क्या आएगा, दैट इज वॉट इज द A1 इंटू A2, इट इज 10 इंटू 6, दैट इज 10 इंटू 6 माइनस ऑफ 1 इंटू 8 अपॉन 6, दैट इज अवर B1. सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ B1, इट इज 8.66. ओके आफ्टर दैट we find out the B2, then what is the formula of B2? That is A1 into A4, that is A1 into A4, so 6 into K minus of A0 into A5, that is 0, divided by it is 6, so it will be B2 will be K. Okay. After that, from this B1 and B2, we find out the C1, that is the formula for C1, it is this multiplied by this multiplied by this divided by this. So we can write 8.66 into 8 minus of 6k
माइनस ऑफ 6 के डिवाइडेड बाय 8.66. ओके, दिस इज अवर C1. देन C2 नॉट फाइंड आउट, इट इज कंसिडर्ड एज अ जीरो. आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द D1. देन D1 हाउ टू फाइंड आउट, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस. ओके, सो वॉट विल बी द आंसर, दैट इज दिस टर्म विल बी द जीरो एंड दिस वैल्यू दैट इज C1 इज इक्वल्स टू K. आफ्टर सॉल्विंग द C1 विल बी K. ओके, आफ्टर दैट वी सी दिस सिस्टम इज अ स्टेबल सिस्टम बिकॉज द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस नंबर्स विल बी पॉजिटिव. दैट इज फॉर स्टेबल सिस्टम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउस अरे शुड बी पॉजिटिव एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम S4 टू S0 बिकॉज हाइएस्ट ऑर्डर इट इज S4. सो आफ्टर दैट वी सी वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन फैक्टर दैट इज द K. सो वी कंसिडर द रेंज दैट इज K इज ग्रेटर दैन जीरो. फर्स्ट रेंज इज दिस एंड सेकेंड क्या है, K कहाँ पे आपका सेकेंड टर्म दैट इज दिस. सो कंसिडर्ड S1 दैट इज दिस विल बी राइट एज 8.66 इंटू 8 इंटू 6 के अपॉन 8.66 दैट इज ग्रेटर दैन इट इज जीरो. आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाइड दिस टू जीरो, देन वॉट विल हैपन, 8.66, देन दिस टर्म विल बी अगेन इट इज जीरो एंड द न्यूमिरेटर टर्म विल बी सेम. सो 69.33, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8.66 इंटू 8. आफ्टर दैट 6K विल बी रिमेन सेम. सो द अवर स्टैंडर्ड नंबर्स विल बी 69.33 माइनस 6K दैट इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो. आफ्टर दैट हाउ टू सॉल्व, देन दिस 6K विल बी गोज टू दिस साइड. सो 69.33 इज ग्रेटर देन 6K. ओके, आफ्टर दैट दिस द K वैल्यू विल हाउ टू फाइंड आउट दैट इज दिस इज विल बी डिनोमिनेटर दैट इज 69.33 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स दैट इज ग्रेटर दैन K. देन व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज द 11.55 ग्रेटर दैन K. देन व्हाट इज द रेंज ऑफ K, हेंस द मेक द सिस्टम स्टेबल द रेंज ऑफ K विल बी. फर्स्ट जो रेंज आई थी आपको क्या आया था, दैट इज द जीरो आया था. ओके, ये जो है ये जीरो आया था फर्स्ट रेंज. आफ्टर दैट सेकंड रेंज कौन सी आई आपकी, दिस. सो वी कैन राइट जीरो लेस देन के लेस देन 11.55. ओके, इन दिस वे वी सॉल्व द प्रॉब्लम. थैंक यू.